स्वागत है आपका वेब दुनिया खास बातचीत में। आपके साथ मैं हूं प्रीति और हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ राजहंस जो फेसबुक में काम कर चुके हैं और फिलहाल एप्पल कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर हैं और फिलहाल सिद्धार्थ इंटरनेट की फ्री उपलब्धता पर काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ स्वागत है आपका वेब दुनिया में। और चूंकि आपका जन्म इंदौर में ही हुआ है, आप यहीं पले बड़े हैं, स्कूलिंग आपके यहाँ से हुई है और यहाँ से आप आगे तक गए हैं फेसबुक एप्पल, तो सबसे पहले आपसे इंदौर के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका अब तक का इंदौर में सफर कैसा रहा, कहाँ स्कूलिंग हुई और किस तरीके से। जी मैम, तो मेरा एक्चुअली जन्म इंदौर से ही हूँ और मेरे ग्रैंड फादर यहाँ आके सेटल हो गए थे, तो उस जनरेशन से हम लोग यहीं पर हैं। और मैं इंदौर एमपी में कई शहरों में, भोपाल में और फिर गुजरात में पढ़ने के बाद मैं इंदौर अराउंड 7th स्टैंडर्ड में था तब वापस आया और विद्यासागर स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। मैंने 12th यहीं से अपनी कंप्लीट करी है और क्योंकि जैसा कि उस जमाने में और अभी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस का, मेडिकल एंट्रेंसेस का और व्यापम वाले सारे एग्जाम्स का बना रहता है एक बारहवीं पढ़ने वाले बच्चे के जीवन में पूरा संघर्ष, तो मैंने भी उसी तरह के काफी एंट्रेंसेस लिखे, उनमें से कईयों में अच्छा रैंक आ गया तो मुझे एक स्कॉलरशिप मिली। तो सिंगापुर के जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है वहाँ की मुझे स्कॉलरशिप मिली और मुझे वहाँ पर अपना ग्रेजुएशन, अपना फर्स्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिग्री करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं वहाँ गया और तो इस तरह से मेरा इंदौर से सिंगापुर तक का सफर रहा। और सिंगापुर के बाद फिर मुझे कैंपस प्लेसमेंट में फेसबुक में इनिशियली एज एन इंटर्न जॉब मिला था एंड लेटर एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट, तो वहां से फिर मेरा यूएस का सफर शुरू हुआ। यूएस में 2013-14 ऑलमोस्ट 12 से मैं यूएस में था, सिलिकॉन वैली जो कि टेक्नोलॉजी हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड है, तो वहां पे मेनलो पार्क कैंपस जो है फेसबुक का वहां पे आई वॉज बेस्ड एंड ये सफर भी काफी अच्छा था। फिर इस दौरान कई सारे टेक प्रोजेक्ट्स पे काम करने मिला एंड फाइनली 2014 दिसंबर में मैंने एप्पल ज्वाइन किया। इस दौरान मेरा खुद का स्टार्टअप भी शुरू हो चुका था, इसे हमने नाम स्पेसिफाई दिया था स्पेस प्लस वाईफाई नाम से और इस दौरान इसे यूएस में एक व्हाइट हाउस बेस्ड इनोवेशन फेलोशिप के तहत नॉमिनेशन भी मिला। उसके बारे में इंडिया में शशि थरूर जी और कई सारे मिनिस्टर्स ने ट्वीट भी किया था, तो हमें काफी प्रोत्साहवर्धन मिला कि भाई ये सही चीज है और इंडिया में स्पेशली हम अगर डिजिटल डिवाइड को कम करने के डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। तो मैं इसे जेन्युइनली स्केल अप करना चाहता था और इस दौरान एप्पल की टीम से मुलाकात हुई, इंटरव्यू हुआ, उन्होंने स्पेसिफाई को भी समझा, काफी पसंद किया, तो फाइनली वी अरेंज्ड एन इक्विटी शेयरिंग विद देम एंड मैं सिंगापुर बेस्ड, हमारा जो एपैक एचक्यू है वहां शिफ्ट हो गया, तो फिलहाल मैं सिंगापुर में बेस्ड हूँ, एप्पल में काम कर रहा हूँ सिंस 2015 एंड अभी तक तो मैं प्रोडक्ट मैनेजर था एप्पल में। आई वाज हैंडलिंग स्पेसिफाई अलोंग विद हमारे कोर इनोवेशन प्रोडक्ट्स एट एप्पल, बट रिसेंटली हम जो वर्ल्ड जून में वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था एप्पल में, उस दौरान मैं ग्लोबल लीड बनाया गया फॉर एवरीवन कैन कोड। एवरीवन कैन कोड इज एप्पल्स डेवलपर एम्पावरमेंट इनिशिएटिव, मैं इसका ग्लोबल लीड हूँ 16 देशों में। भारत का इसमें एक बहुमूल्य स्थान है क्योंकि इंडिया में डेवलपर टैलेंट बहुत ज्यादा है। टिम कुक से वार्तालाप इंडियन सरकार की पिछले साल से काफी बढ़ गई जब से मोदी जी का ऐतिहासिक सिलिकॉन वैली का दौरा हुआ सितंबर 2015 में, आफ्टर विच टिम कुक का मेडन विजिट हुआ अभी 3 महीने पहले इंडिया में। इस दौरान कई सारी बातों पे इनकी चर्चा हुई। इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि एप्पल इंडिया में एक अपना खुद का फैक्ट्री लेकर आए, बट ये ज्यादातर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एप्पल सब चीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बनवाता है, फॉक्सकॉन ताइवान में एंड पेगाट्रॉन चाइना में, तो ये डायरेक्शंस बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं थे। ऑल्सो अलॉन्ग साइड ये दो चीजें देयर आर थिंग्स कि हम फ्लैगशिप स्टोर लेके आए, जैसा कि यूएस में एप्पल का रिटेल वर्टिकल का कल्चर है जिसके कारण यूएस में प्राइसेस बहुत ज्यादा कम है, तो अगर इंडिया में ऐसा हो सके तो बहुत प्राइसेस में सुधार आएगा हमारे सारे ही प्रोडक्ट लाइन्स स्पेशली आईफोन में। तो ये सारी चीजें हुई बट फाइनली वी एग्रीड कि इंडिया में डेवलपर टैलेंट बहुत है तो क्यों ना इसे यूटिलाइज किया जाए, तो इसके तहत हमारा एक iOS एक्सेलरेटर भी आ रहा है, सो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हम कर रहे हैं इस डोमेन में और साथ में स्पेसिफाई को लेकर के भी काफी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। मैं परसों ही टेलीकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा जी से मिला संचार भवन दिल्ली में और इनके जो OST हैं वो भी काफी उत्सुक है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के, तो हम जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे इस डोमेन में एंड मेरा पर्सनल ड्रीम है कि हम इंडिया में फ्री में नेट प्रोवाइड कर सकें
अभी तक जितने गांव में किया है उससे ज्यादा हम आदर्श ग्राम योजना जो है उसके तहत एंड इस तरह के कई सारे जोन्स में कर सके। और साथ में हम फ्री डिवाइसेस भी देना चाहते हैं, ये भी मेरे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड कर देना वुड बी जस्ट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। हम सिर्फ गांव में नेट प्रोवाइड करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग ऑनलाइन आ जाएंगे और सीखेंगे, क्योंकि उनके पास डिवाइसेस की कमी है। सो उस डायरेक्शन में हमने अब एप्पल के पास वेयर हाउसेस में कई सारे आईपैड्स आईमैक्स वेस्ट पड़े हुए हैं पुराने जनरेशन के, तो वो सब हम इसमें लगा सकते हैं, तो वो एक वर्टिकल है। और इसके साथ साथ हम ट्रेनिंग भी इम्पार्ट करेंगे, सो दैट जो हम एक्चुअली चाहते हैं कि लोग भाई इंटरनेट का सदुपयोग करके उनके जीवन में सुधार आए, उनके भविष्य पढ़ाई इस सब में सुधार आए, तो रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट के तहत हम इन सारे एरियाज में स्टार्टिंग विद जयापुरा वाराणसी में जो पीएम का गोद लिया हुआ गाँव है वहां पर हम ये कर रहे हैं एज अ पायलट। एंड तो यही है कि ये थ्री वर्टिकल से मैं समझता हूँ कि हम डिजिटल लिटरेसी बढ़ा सकेंगे, नेट का यूज, डिवाइसेस का यूज और साथ में उन्हें ट्रेन करके, सो दैट एक्चुअली हम जो चाहते हैं वो अचीव कर पाए, और ये सब फ्री में, क्योंकि इंडिया फ्री ही पहले खरीदता है। दूसरे डिवाइसेस में भी इसी तरह की कनेक्टिविटी रहेगी। इस पूरे टेक में एप्पल का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि क्योंकि सभी ऑलमोस्ट टेक जायंट्स इस तरह की किसी टेक पे काम कर रहे हैं, तो हम बीच में कीनोट के दौरान एक जोक कहा गया कि सब अपने मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। फेसबुक ने सोलर ड्रोन पे काम किया, तो गूगल ने बलून तक गया, एंड एप्पल फाइनली सैटेलाइट तक गया। सो इस तरह से फोकस था एप्पल का। ऑफकोर्स इसमें योगदान ये है और इंटरेस्ट इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि किसी भी टेक कंपनी के लिए जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डोमेन्स में काम कर रही हैं, इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड यूजर बेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हम इससे बढ़ा रहे हैं। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू कनेक्ट इंडिया का जो ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन इंटरनेट से एकदम अनटच्ड है, हम उसे उन तक ये टेक पहुंचा रहे हैं। साथ में ये है कि हम इसमें हमारे दो विंग्स हैं, एक है एंटरप्राइज सॉल्यूशंस का जिसमें हम B2B क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें हमने हमारे वाईफाई के साथ साथ आई क्लाउड को सिंक किया है, सो हम बिजनेस को क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह के कई न्यू एज स्टार्टअप्स जिनके लिए फिजिकल सर्वर्स इंस्टॉल करके स्केल अप कर पाना पॉसिबल नहीं है, हम उन्हें क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक तरह से मैं एप्पल का भी मार्केट डेवलप कर रहा हूं इन डोमेन्स में। साथ में ऑफकोर्स बिकॉज मैंने जैसे बताया DTH वर्जन ऑफ इंटरनेट है, तो इसमें हमने डिश के साथ साथ जो रेगुलर हमारा सेट टॉप बॉक्स लगता है उसके जगह पर एप्पल का राउटर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लग रहा है। अभी तक के कनेक्शंस में भी हम यही करते आए हैं, तो एक जो ऐसा प्रोडक्ट लाइन था जो अभी तक ऑब्सोलीट हो चुका था, हमने उसे भी एक दिशा दी है। एंड इस तरह से हम और साथ में क्योंकि हम इसमें फ्री डिवाइसेस भी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एप्पल पुरजोर तरह से चाहता है कि उसका इंडियन गवर्नमेंट के साथ स्पेशली इंडिया के डिजिटल स्पेस को एम्पावर करने की और योगदान बढ़े। अभी एप्पल का करंट फोकस कमर्शियल नहीं है इंडिया में ज्यादा, अपार्ट फ्रॉम देयर आईफोन एंड प्रोडक्ट लाइन्स जो है, हम डेवलपर एंगेजमेंट इस तरह के चीजों को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, एंड उस दिशा में हम इसके डिवाइसेस भी लगा रहे हैं। तो ऑफकोर्स एप्पल प्रोडक्ट्स को तो पुश कर ही रहे हैं, बट मैं ये समझता हूँ 90% हम नॉन एप्पल स्पेसिफिक डोमेन पे काम कर रहे हैं। इसमें कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं हमारे राउटर से, आप अपना एंड्रॉयड विंडोज या एनी अदर iOS ही, उसके अलावा किसी भी डिवाइस को अक्रॉस लैपटॉप्स टैबलेट्स एंड फोन्स डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट कीजिए जैसा हम करते आए हैं। आप अपने राउटर को कॉन्फिगर कर लीजिए फॉर अ यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड आप बिल्कुल इंटरनेट यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द की एरियाज इज ये फ्री ऑफ कॉस्ट B2C में रखा है इसको, सो कंज्यूमर डजंट हैव टू पे एनीथिंग, हम उसे फॉर द कनेक्टिविटी यानी महीने का जो मासिक बिल है जो शुल्क है इंटरनेट का वो हम इसमें B2C लेवल पर खत्म कर रहे हैं। वही हमने गांव लेवल पर भी करा है और वही हम कमर्शियलाइजेशन जब करेंगे तो उसमें भी हमारा यही है काम है। फ्री और सस्ते दामों पे इंटरनेट प्रोवाइड करने के आपके जो प्लान्स हैं, भारत में इनकी शुरुआत कब तक हो सकती है और कितने सस्ते दामों में उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकते हैं? जी मैम, तो जहाँ तक उपभोक्ताओं की बात है तो हम इसमें दो कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं, B2C एंड B2B। तो जब हम कस्टमर्स की बात करते हैं तो B2C लेवल पर हमने इसे फ्री रखा है, कस्टमर्स को कोई इसका
मंथली बिलिंग नहीं देने की जरूरत है, सिर्फ उन्हें डिवाइसेस का कॉस्ट बेयर करना है. ऑफकोर्स बी टू बी लेवल हमारा मेन रेवेन्यू सोर्स है, तो उससे हम चार्ज करते हैं, बट स्टिल हम एग्जिस्टिंग दामों से कम चार्ज करते हैं. और जो हमारे नेट स्पीड्स हैं एज पार्ट ऑफ मेरा जो स्पेसिफाई स्टार्टअप है, दैट इज लाइक 75 Mbps एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये काफी बेहतरीन स्पीड्स हैं. हम ऑलरेडी इसे सिंगापुर में कमर्शियली चला रहे हैं, तो हमें अनुभव है और हमारे काफी क्लाइंट्स खुश हैं इससे. जहां तक इंडिया में शुरू करने की बात है, तो हम इसे पिछले साल से शुरू कर चुके हैं और हमने इसे रूरल एरियाज में करा है. अभी का हमारा फोकस जो है वो इसे पैन इंडिया लेवल पर लेके जाने का है. तो इसमें हमें मनोज सिन्हा जी टेलीकॉम मिनिस्टर की काफी सहयोग प्राप्त हुआ है. साथ में आदर्श ग्राम योजना के तहत हम इसे जयपुरा और बाकी जगहों पर करने वाले हैं. स्मार्ट सिटीज में हम आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती में कर रहे हैं इसको, प्लस काफी सारे शहरों में हम इसे लेकर आने वाले हैं. और हमने इसके लिए लाइसेंस, नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट वर्क ये सब कंप्लीट कर दिया है. तो इसी डायरेक्शन में हमारा फोकस है. इंदौर की धरती से निकलकर आप एक वैश्विक धरातल पर हैं और बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं. आप आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, तो यहाँ के यूथ के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे? जी, तो देखिए, आपको इस तरह की कंपनीज में काम करना है. मुझे काफी ये जो टॉक्स वगैरह मैंने दिए हैं यूनिवर्सिटीज में, बच्चों के मैसेज आते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप ईमेल्स पर. सब चाहते हैं टू इंटर्न विद अ कंपनी लाइक एप्पल और वन ऑफ दीज कंपनीज. एंड सब मैंने देखा, ज्यादातर बच्चे जो है दे आर फैसिनेटेड बाय द वर्क कल्चर, बाय सिलिकॉन वैली, बाय द ऑफिस स्पेसेस, बाय ऑल दीज एलिमेंट्स जो हमें सुनने मिलते हैं या जकरबर्ग के टाइमलाइन पे देखने मिलते हैं. इस तरह की चीजों से बच्चे इंस्पायर्ड है. बट एक बेसिक डिफरेंस है कि हम ये समझ लें कि हमारा वो चीज फैसिनेशन है या पैशन है, और इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. मोस्टली बच्चे ज्यादातर अगर बोलते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, तो वो फैसिनेटेड है. और फैसिनेटेड किन चीजों से है? उसके ग्लैमर एस्पेक्ट से, कि भाई ये सही ऑफिस है, मुझे तो यहाँ होना है, या फिर मेरे को महीने में 3 बार 3 डिफरेंट देशों में रहना है. तो ये सब चीजों से फैसिनेटेड है. अगर आप जेन्युइनली पैशनेटेड हैं, पैशनेट हैं उस चीज के बारे में, तो आप उस प्रोसेस से ज्यादा इन्वॉल्व होंगे कि मुझे काम क्या करना है. और इस लेवल पर आपकी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज, आपका कोर कॉम्पिटेंसी, ये सब चीजें आती हैं. तो मेरा मैसेज यही है कि आप इन तीनों चीजों के तहत अपने कैरियर को बनाएं, अपनी एक कोर कॉम्पिटेंसी रखें, उस लेवल पर आप टेक्निकल एक्सपर्टीज और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये दोनों चीजों को बरकरार रखें, सो दैट आप उस एक डोमेन के एक अद्भुत प्रोफेशनल बनकर निकले. और फिर अब ऑब्वियसली आपको कई सारी कंपनीज ऑफर करेंगी, आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, एंड यू विल हैव अ नेम फॉर योरसेल्फ. बट हम अगर फैसिनेशन को चेस करेंगे, तो फिर हम कहीं ना कहीं उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे, राइट? सो ये मेरा मैसेज है, और इसी डायरेक्शन में काम करते रहें, तो आप सब सक्सेसफुल होंगे. आप जब सिंगापुर में रहते हैं और वहाँ वैली में रहते हैं काफी समय तक, जी सर, तो इंदौर के पोहे जलेबी और दाल वाफले वो मिस करते हैं? हाँ सर, काफी करता हूँ. मैं दोनों ही इतने सारे पोहे जलेबी और दाल वाफले खा जाते हैं. हाँ, तो मैं दोनों ही चीजों का काफी शौकीन भी हूँ, बट दाल वाफले तो इतने खाने होते नहीं है. और पोहा जलेबी तो ठीक है, पोहा तो घर पे ही आज सुबह खा के आया हूँ, तो पोहा तो ठीक है बन ही जाता है. खैर, मैं भी पोहा बनाना सीख गया हूँ, बट वो अभी भी प्रोसेस में है, पायलट स्टेज पर है, मैं कहूंगा अभी तक रिफाइन हुआ नहीं है. और जलेबी ठीक है, बिल्कुल मैं मिस करता हूँ. तो मैं जब भी यहाँ कहीं आना होता है, तो मैं सराफा या छप्पन जाने की कोशिश करता हूँ. और ठीक है, ये सब चीजें बहुत बेहतरीन है और मैं इन्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ. सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच वेब दुनिया से बातचीत. थैंक यू.